सभी लोगों का बहुत ही प्यारा स्वागत है। तो तन्नो आज बहुत टाइम के बाद आई है व्लॉग बनाने के लिए, और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम हमारी सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड यू नो समथिंग गाइस, ये हमारी सेकेंड एनिवर्सरी हम कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माउंट आबू में। तो इस व्लॉग में हम माउंट आबू के पॉपुलर अट्रैक्टिव जो डेस्टिनेशंस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उसे कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी धनो के साथ इस पूरे टूर का वर्चुअल व्यू लेना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। सो गाइस, लेट्स गो। जैसे ही हम ट्रेन से आ गए होटल में, हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया एंड देन अभी हम फ्रेशन अप होके आ गए हैं नक्की लेक। यस, माउंट आबू का सबसे फेमस जो लेक है। तो शाम के वक्त का एटमॉस्फियर, एम्बियंस बहुत ही प्यारा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी मिल जाएगी करने के लिए। तो फिलहाल हम कर रहे हैं बोटिंग, सो यू कैन सी, और व्यू भी बहुत ही मस्त है। जैसे कि आपका एक बार बोटिंग हो जाए उसके बाद आप नक्की लेक के अराउंड ही एक छोटा सा गार्डन है, और इवन नक्की लेक के वहाँ पे भी आप फोटोज़ ले सकते हो या फिर आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही प्लीजेंट और एक कूल ब्रीज रहती है यहाँ पे, सो बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल रहता है। नक्की लेक को अटैच्ड ही एक बड़ा सा रोड है और उसी के साइड में बहुत सारे शॉप्स है, लाइक ज्वेलरी शॉप्स भी है, क्लोथ शॉप्स है, ऑल्सो यहाँ पे खाने के भी बहुत सारे आइटम्स आपको अवेलेबल। तो अगर आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स लेना चाहते हो तो इस लेन को ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स भी मिल जाएंगे, क्लोथ्स भी है बहुत सारे, और सोविनियर्स भी है। सो स्पेशली अगर लेडीज़ लोग ज्वेलरी लेना चाहते हो तो इस शॉप को ज़रूर विजिट कीजिए। जैसे ही आप नक्की लेक से बाहर आओगे आपको स्टार्टिंग में ही ये शॉप मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे भी बहुत रीजनेबल बैंगल्स एंड ईयरिंग्स के प्राइसेस हैं। सो गाइस, इस दुकान को ज़रूर विजिट कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम माउंट आबू आए हैं हमारी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो जनरली हम जब भी कुछ ऐसे एनिवर्सरीज या बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो नॉर्मली कपल्स ऐसे चाहते हैं कि कुछ कोजी या फिर प्राइवेट प्लेस पे, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पर सेलिब्रेट करें। तो हम भी बहुत सारे होटल्स और कैफ़ेज़ यहाँ पर सर्च कर रहे थे एंड फाइनली हमें एक ऐसा होटल मिल गया है। यस, एंड वो है जोजी बार एंड रेस्टोरेंट। और एक खास बात रेस्टोरेंट की ये है गाइस कि एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है। यस गाइस, यू हर्ड मी राइट। तो अगर आप भी आपके पार्टनर के साथ एक रोमांटिक सी डेट प्लान करने की सोच रहे हो तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। यहाँ का जो रूफटॉप का जो प्लेस है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही माइल्ड म्यूजिक यहाँ पर चलता रहता है और आपको बहुत ही अच्छा वाइब मिलेगा यहाँ पर।
तो गाइज जब भी आप माउंट आबू आओगे तो इस दिलवारा टेम्पल को ज़रूर विजिट कीजिए, ये बहुत ही अंदर से खूबसूरत है। एक्चुअली हमें कैमराज अलाउड नहीं है, वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं बाहर, इसके लिए हम आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकते, पर आप जब भी आओ इस मंदिर को ज़रूर विजिट कीजिए। जैसे आप आपकी बाइक पार करके दिलवारा टेम्पल के और निकलते हैं तब आपको बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दिलवारा मंदिर के दर्शन होने के बाद अभी हम निकल रहे हैं गुरु शिखर की ओर। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुड़ा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की चोटी पर बने इस मंदिर की शांति दिल को छू लेती है। मंदिर का भवन सफेद रंग का है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। गुरु शिखर से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर परंपरा वंश की कुलदेवी माँ अरबुड़ा का मंदिर है। इस चोटी के निचले भाग में प्रसिद्ध नक्की झील है। सनसेट पॉइंट माउंट आबू का शाम के पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है जो नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थान की पृष्ठभूमि में सुंदर पहाड़े हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं, विशेषतः सूर्यास्त के समय। के मौसम में यह स्थान पर्यटन का एक लोकप्रिय आकर्षण रहता है क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री इस स्थान के आरामदायक ठंडे परिवेश का आनंद उठाने के लिए यहां जरूर आते हैं।